हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मानवी ट्यूटोरियल और मैं हूं मंजू मुकेश वर्मा। जो मेरी आज की वीडियो है वो है मेरा एक वॉल डेकोर के ऊपर कि मैंने अपनी जो वॉल डेकोर किस तरह से की हुई है। एक्चुअली मैंने जो होम टूर की वीडियोस डाली थी उसके ऊपर मेरे पास मैसेज आए थे कि मैडम जो आपने अपना वॉल डेकोर किया हुआ उसके ऊपर हमें एक सेपरेट वीडियो बना के दिखाएं, तो वही वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले कहना चाहूंगी कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और शेयर और कमेंट जरूर करना ताकि किसी के लिए हेल्पफुल हो। तो मतलब जो वॉल डेकोर है उसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। आजकल तो यार बहुत सी चीज़ें चल पड़ी हैं, लाइक फोटो फ्रेम्स बहुत चले हुए हैं, सीनरीज चली हुई हैं, या फिर आप स्टेंसिल करवा सकते हो, पेंट करवा सकते हो, मतलब कुछ भी यार। टिश्यू पेपर के इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन चले हुए हैं जो हमने नीचे ग्राउंड पे जो दोनों बेडरूम में डिज़ाइन करवाया हुआ है बहुत ही यूनिक है। एक में टिश्यू पेपर से किया हुआ है और एक में जो लाइक रुई होती है रुई से किया हुआ है, मतलब बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। लोबी में भी पीवीसी का डिज़ाइन है, हमारे वाले में 3D है मास्टर बेडरूम में, और जो ऊपर की लोबी है इसमें है जस्ट फ्लावर्स पत्तियां टाइप का। तो मतलब इसमें तो बहुत से डिज़ाइंस हैं, स्टेंसिल्स में बहुत डिज़ाइन है, आप जितना मर्जी चाहो डिज़ाइन करवा सकते हो अपने बेडरूम के लिए, किड्स रूम के लिए, जैसे भी। बट मेरे को जो सबसे बढ़िया लगा था वो थे स्टिकर्स, क्योंकि यार जो हम ये लोग पेंटिंग स्टेंसिल वगैरह जो भी वॉल डेकोर करवाते हैं ये कम से कम पड़ जाते हैं आपको 10,000 के अंडर। मतलब एक अगर आप वॉल रेडी करवा रहे हैं 3D में या फिर अलग अलग डिज़ाइंस में तो वो 10,000 तक की पड़ जाती है, आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। बट अगर आप सीधा उस पर पेंट करवा रहे हैं और उसके ऊपर स्टिकर्स लगा रहे हैं जिसके ऊपर मेरी आज की वीडियो है, तो वो आपको बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप स्टिकर लगा रहे हैं तो आपकी वॉल खराब जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका ग्लू बहुत ही बढ़िया होता है, जब तक वो लगा हुआ है बड़ा अच्छे से स्टिक रहेगा। बट जिस टाइम आपको वो निकालना है स्टिकर, उसकी जगह कुछ और काम करवाना है या फिर स्टिकर ही चेंज करना है, तो उसको जस्ट आप हेयर ड्रायर से थोड़ा सा मतलब हेयर ड्रायर चलाकर उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो बिल्कुल ईजिली उतर जाएगा, काफ़ी ईजिली उतर जाता है, मैंने ये ट्राई करके देखा है। तो मैंने काफ़ी सारे स्टिकर्स मंगवाए हुए हैं, बट जो मेरे भी पैक वाले वॉल थी ये काफ़ी खाली है। ये मेरा ड्रेसिंग एरिया है और ये मेरी खाली है। ऊपर की तरफ मैंने लगाए हुए हैं फोटो फ्रेम्स, बट मेरे को जो नीचे का पोर्शन था, लाइक अगर यहाँ बैठ के हम रेडी हो रहे हैं तो ये वाला पोर्शन तो बिल्कुल सामने है, ये थोड़ा सा मेरे को खाली लग रहा था सॉरी ये मेरे को थोड़ा सा खाली लग रहा था, तो इसके लिए मैंने एक स्टिकर मंगवाया था। मुझे लगा कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग आपके साथ सामने ही करूं। तो ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आते हैं, काफ़ी बढ़िया है, इनकी जो पैकिंग काफ़ी अच्छी होती है। ये रोल कार्डबोर्ड है और इसके अंदर से कुछ इस तरह से ये स्टिकर आएगा। ये भी काफ़ी मजबूत है, बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत ही अच्छा है। और जो इसका स्टिकर अंदर से होगा वो कुछ इस तरह से है। आप लोग सोच रहे होंगे यार ये इसने क्या स्टिकर मंगवाया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि है क्या चीज़। तो मैं आपको बता दूं ये जस्ट पार्ट्स में है और जब ये हम इसको पूरा तरीके से लगाएंगे अच्छे तरीके से तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, बहुत ही प्यारा है। एक साइकिल है, साइकिल के ऊपर एक कपल है और जो आगे साइकिल वाली जो इसकी बास्केट है उसमें से निकल रहे हैं हर्ट्स। तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्यारा है, मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेरे को लगा कि यहाँ पर मैं साइकिल लगा रही हूँ तो यहाँ तक साइकिल आ जाएगी और ऊपर की तरफ जो थोड़ा हर्ट्स को थोड़ा मैं सेपरेट करके लगाऊंगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये था मेरा आज का स्टिकर के ऊपर वीडियो। मैं लास्ट में आपके साथ मतलब इस वीडियो इंट्रोडक्शन के बाद जो आपके साथ स्लाइड शो शेयर करूंगी जो कि मैंने अपने रूम्स में लगाए हुए हैं, आपको उसके जरूरी नहीं है कि अगर आपको वो पसंद आ रहा था वो भी मंगवा सकते हैं। बट अगर आप किसी भी ऑनलाइन साइट पे अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे या कहीं भी कलर फैक्ट्री वगैरह पे जाके वॉल डेकोर स्टिकर लिख रहे हो तो वो काफ़ी बढ़िया आ जाएंगे। काफ़ी मतलब काफ़ी वैरायटीज है यार उसमें, काफ़ी डिज़ाइंस हैं अकॉर्डिंग टू। अगर आप एक जिम भी बना रहे हो तो जिम के ऊपर बहुत सारे हैं, किचन के ऊपर आप थोड़ा किचन को थोड़ा सा मतलब हाईलाइट करना चाहते हो तो उसके ऊपर हैं, किड्स रूम के ऊपर हैं, काफ़ी सारे हैं। तो ओके अभी मैं प्ले करती हूँ अपनी स्लाइड शो, आप देखना प्लीज़। अगर पसंद आए तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करना कि शायद वो भी वॉल डेकोर के लिए कुछ इस तरह से ढूंढ रहे होंगे। तो ओके अगर नहीं है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना जरूर मतलब भूलना मत यार आपका। मतलब अगर आप मेरे को एक लाइक भी करते हो, शेयर, कमेंट जो भी करते हो ना, मतलब मेरे को लिए बहुत मोटिवेट होता है। अभी तक मेरी 4-5 वीडियोस आई हैं, ज़्यादा वीडियोस नहीं है,
बट मेरे व्यूज काफी अच्छे चल रहे हैं, बढ़िया है, मतलब इसका मतलब ये है कि आप लोगों को पसंद आ रही है। बट अगर आप उसे देख रहे हैं तभी मैं आगे बना पा रही हूँ, नहीं तो मैं कब की स्किप कर चुकी होती। तो ओके देखते हैं जो मेरे सभी रूमों में स्लाइड स्लाइड शो जो मैंने स्टिकर्स लगाए हुए हैं किस तरह के हैं। ओके लेट्स गो स्टार्ट।